राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के माड़र गांव में। सुबह के 7 बज रहे हैं और ठंड का मौसम है, काफ़ी कुहासा छाया हुआ है। और बता दें कि इस समय न्यूज टीवी सिवान चैनल की टीम माड़र गांव में आज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि यहां पे जो है चोरों ने रात में जमकर तांडव मचाया है। अगर हम बात करें चोरों की, तो यहाँ चोर हो या अपराधी, वो जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं उन्हें पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा भी डर नहीं है। लगातार अपराधी बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं, कैमरा में से चाहेंगे थोड़ा सा इस खेत को दिखाएं, आज हम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हैं। बता दें कि यहाँ जो है चोरों ने किसी घर में तांडव नहीं मचाया है, चोरी नहीं की है बल्कि खेत में की है। आप देख सकते हैं कि वो जो घर है, आपको घर दिखाई दे रहा होगा, घर के पीछे खेत है और खेत में चोरी हुई है। क्या चोरी हुई है आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इस गांव के कई लोग मौजूद हैं और सभी से हम बारी बारी से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ चोरी हुई है, किसने चोरी की है, यानी इस घटना को किसने अंजाम दिया है। कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देना का तो सीधे लेकर चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्री कृष्ण तिवारी, ग्राम मारर कला। और हमारे घर के बगल में बाउंड्री दिया हुआ था, टाटी दिया हुआ था, बांस का बता बांध करके, कांटी वगैरह बांस वगैरह दिया हुआ घेरा बनाए हुए थे। इसके अंदर में सब्जी वगैरह की खेती, गोभी वगैरह, मूली वगैरह, गाजर वगैरह, बीट वगैरह सबको बर्बाद कर दिया गया है और टाटी को तोड़ करके लपता कर दिया गया है। है ना, यानी जो आपके घर के पीछे खेत है, यानी जमीन है, उस पर आप फसल बो रहे हैं? हाँ, फसल बो रहे हैं। इसको आप बांस के जो टाटी होता है उससे घेरे हुए थे। तो क्या हुआ? वो करीब करीब 12 बजे तक घटना नहीं हुआ है, रात में 12 बजे के बाद ही घटना हुआ है। सुबह जब उठे हैं, अब देखे हैं तो बहुत लोग जाकर कहे हैं कि आपका टाटी लापता हो गया है, ये है आए हुए हैं, है ना, और इस तरह की बात है। फसल में क्या नुकसान हुआ है आपका? फसल में गोभी वगैरह है, मूली है, गाजर है, बीट है, ये सबको बर्बाद कर दिया गया है और टाटी वगैरह लेकर के लापता कर दिया गया है। टाटी वगैरह करीब करीब 20 मीटर में है, उसको नापाता कर दिया गया हुआ, इधर उधर देखने से मिल नहीं रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा? इसकी घटना को दे करके मार गई, एक आदमी का काम तो नहीं है। हम थाना पर आ रहे हैं और वहाँ वो आपको सब लिख करके हम आपको देंगे। अच्छा, थाना जा रहे हैं? हम थाना जा रहे हैं। यानी आपको पता है कौन है? हाँ हाँ पता है, हम उसका नाम देंगे। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अरे नुकसान तो बहुत, गोभी 100 थान है, उसमें से सबको बर्बादे कर दिया गया है, सबको इधर उधर करके काट लिया गया है, बीट वगैरह है उसको भी काट लिया गया है, तो लसार पसार बर्बाद कर दिया गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा, कुछ अंदाजा? 5,000 का नुकसान हुआ होगा। गोभी वगैरह इतना परिश्रम किए थे, है ना, सब्जी वगैरह की खेती किए थे, सबको बर्बाद कर दिया गया है। और टाटी बेर जो है वो कांटी बांस के पत्ते से कांटी दे करके ठोके हुए थे, उसको भी बर्बाद करके लापता कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं और खेत के जो मालिक हैं उनसे हम बात करने का प्रयास किए हैं। इन्होंने कहा कि इनके घर के ही पीछे खेत है और खेत में वो गोभी और गाजर और बीटरूट बोए हुए थे, उसको काट लिया गया है। हमने पहले भी बताया था कि यहाँ किसी घर में नहीं बल्कि खेत में चोरी हुई है। तो देखना ये होगा कि जो चोर होते हैं वो आजकल घर में पहले चोरी करते थे, लेकिन इस समय जो है वो लोग घर छोड़कर अब खेतों में चोरी करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या उनका मनोबल इसी तरह से बढ़ते जा रहा है? इसी के लिए आज हम और भाई जो लोग यहाँ पे जो हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से चोरी हुई है। हालांकि ये ठीक नहीं कहेंगे, क्योंकि घर में चोरी होती थी चलता था कि हाँ घर में चोरों ने चोरी की है काफ़ी पूंजी देखकर, लेकिन अगर अब खेत में चोरी होती है तो ये काफ़ी शर्मसार घटना है। अच्छा, ये बताइए जो घटना को अंजाम दिया गया है कब दिया गया? ये आज रात में 12 बजे के बाद ही घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें फसल को बर्बाद किया गया है। इस स्थिति में वो लोग मनबढ़ू आदमी हैं, अपराधी किस्म के हैं, अपहरणकर्ता भी हैं, इस तरह से उन पर उचित कार्रवाई की जाए, मुझको यही कहना है। क्या क्या उसमें बोया हुआ था खेत में? खेत में मूली, गाजर, बीट, गोभी,
यही सब बुआ गया था जिसे 5,000 रुपये का नुकसान हुआ है, और बाउंड्री के रूप में बांस का बत्ता फाड़ करके कांटी ठोक करके उसे कम से कम 20 मीटर में लगाया हुआ था, वो भी लेकर चले गए हैं। और उनका नाम भी मैं बताऊंगा, पानी रुगल बोले ना रुगल यही मुझे कहना है। अच्छा, हमें न्याय चाहिए। ये जो घटना को अंजाम लोगों ने दिया है आसपास के हैं कि कहीं और के हैं? आसपास के लोग हैं। अब घर के आसपास के? घर के आसपास के लोग हैं। तो अब उनसे पूछे नहीं? वो कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। अच्छा, जिसने घटना को अंजाम दिया वो दिख नहीं रहा है? जो घटना का अंजाम दिया है उस परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है। 2 घंटा हो गया। इस स्थिति में हम उनका नाम रखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? उस समय हम उनको टाटी ले जाते हुए देखा है। अच्छा, जो बांस का बत्ता बना हुआ, बांस का बत्ता बना हुआ था उसको ले जाते हुए हमने देखा है। अच्छा, पहचानते हैं उसे? उसे पहचानते हैं। चले, बहुत बड़ा खुलासा जो है घर के कुछ सदस्य कर रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे चोरों ने जमकर तांडव मचाया, ऐसे में कहीं ना कहीं परिजन जो हैं चोरों को देख चुके हैं और वो उन्हें जानते भी हैं। बताया जा रहा है कि जो चोर हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि आसपास जो घर हैं वहीं के वो लोग हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये अभी नाम नहीं बता रहे हैं, ये जो नाम है ये गुप्त में रखे हुए हैं। अब ये जो है भगवानपुर हाट थाने में जाकर अपना आवेदन देंगे, उन पर FIR करने का प्रयास करेंगे, तो वहीं पे ये नाम दिया जाएगा। हालांकि क्या कुछ खुलासा होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल पर। चलिए, इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप ही घर बगल में ही है जी, ये जो घटना हुई है क्या वाकई सच है कि या झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं? ना, सच है, इसका हम निंदा करते हैं। जो कोई भी किया गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अंजाम दे रहे हैं घटना को, बता रहे हैं जो पीड़ित परिवार है बता रहा है कि आस पास के लोग दिए हैं, सही बात हो सकता है? उनका जो अंदेशा है सही हो सकता है। ये पहली बार हुई है कि इसके पहले भी कई बार हो चुका है? ना, पहली बार हुआ है। इस गांव में क्या अब चोरी भी होने लगी है खेतों में? पहली बार ही हुई है। अच्छा, घर में चोरी करते थे चलता था कि काफी संपत्ति देकर करते थे, खेतों में क्या मिला उन लोगों को? नुकसान करने का इरादा होगा और दूसरा क्या है? दुश्मनी होगी इनकी कहीं से? हो सकता है, किसी दुश्मनी हो सकती है। फसल से नहीं होना चाहिए ना, फसल सबके। आप बताइए क्या जानते हैं घटना के बारे में? घटना के बाद में बारे में हम यही जानते हैं कि टाटी उठाकर चला गया है, इनका गोभी मुरई ये सब फसल है सो उसको नुकसान किया गया है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है? हुआ है नहीं, ये घटना सही में हुआ है कि? सही में हुआ है। अच्छा, तो नहीं कि फंसा रहे हैं किसी को? अभी सब नुकसान हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है जो फंसा रहे हैं, सब तो दिखाई दे रहा। अच्छा, है फसल को क्यों नुकसान कोई करेगा? दुश्मनी से करेगा। दुश्मनी है किसी से? अभी तो वो बताएंगे ना, अभी तो आप ही बता रहे हैं। बिना दुश्मनी का ही होगा चोरी, तो लगता कि दुश्मनी से हुआ है? हाँ, दुश्मनी से हुआ है। हमारा नाम विकर्मा साहब पड़ेगा, वार्ड है यहाँ का, यहाँ का वो 1 नंबर का वार्ड है। अच्छा अच्छा, जो घटना घटी है क्या वाकई घटना सही है? ये घटना तो सही है। क्या घटना घटी यहाँ पे? हमको सुनने में आया, हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखे कि घटना घटी है, जो गोभी कट गया है, टाटी उजाड़ दिया गया है, टाटी का ना पता कर दिया गया है, बहुत सा मतलब 4-5 हज़ार का सामान का जो है क्षति हुआ है। ये देखकर बहुत दुख है, क्योंकि पहले घर में चोरी हो रहा था, अब फसल चोरी हो रहा है, इसके लिए कुछ कार्रवाई किया जाए। अच्छा, क्या लगता है आखिर जिस तरह से फसलों को नुकसान किया जा रहा है और आप ही के वार्ड के लोग कर रहे हैं? अब आप हमारे ही तो नहीं बताएंगे, हमारा ही वार्ड का है, ये तो कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है दुश्मनी से, बाहर से भी आदमी बुला सकता है, आदमी ज्ञान करने के लिए बाहर। तो परिवार तो बता रहा है कि आसी पास के लोग हैं वो, तो मान लीजिए अगले बगल कोई बताएगा, तुमने देखा भी? अब देखा है तो हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन घर वाले बोलेंगे हम देखे हैं, तो हो सकता है देखे हैं, तो लेकिन अभी तो नाम नहीं बता रहे हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या कुछ आपके द्वारा या प्रशासन के द्वारा कुछ होगा? हाँ, वार्ड है यहाँ के। हाँ, पकड़ने के बाद हम तो यही करेंगे कि प्रशासन को उसको दिया जाए जेल में, और नहीं तो उसका इतना दंड लगाया जाए कि फिर जीवन में कभी ना करें। क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? अब देखिए, अब तो हम तो नहीं पकड़े हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, जो पकड़ता है तो आपके द्वारा क्या? हम तो दंड लगाते लगाएंगे, एकदम दंड लगाएंगे। चलिए, आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के माडर गांव में पहुंची हुई है। और बता दें कि यहां पे जो है घर के पीछे खेत है, उसमें काफ़ी सारे फसल बोए हुए थे, नाना प्रकार के फसल बोए हुए थे, जिसमें गोभी, बीट और आपका गाजर, मूली
इत्यादि फसल बोए हुए थे और चोरों ने रात में जब यहाँ तांडव मचाया है सभी को उखा लिया है। इसको लेकर अब जो परिजन है तो वो लोग काफ़ी परेशान में है, आक्रोश में है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो गांव के ही लोग हैं, उनके घर के बगल में जो घर हैं, उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ये परिवार जो है अपने आसपास के लोगों पर आरोप लगा रहा है कि वाकई बात सत्य है, क्या उसी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने हमारे बीच नई नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।